हाय, गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल आप लोगों के? गेट टू बीटी 2022। यहाँ हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का गेट एग्जाम, और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस है पार्ट टू। और अगेन सवाल पहले की तरह है, आर यू रेडी? लेकिन रेडी होने से पहले क्या ये फोटोग्राफ देख करके कुछ मेमोरी क्लिक कर दिया तुम्हारी कि ये किस मूवी का? हाँ भाई, ये टाइटैनिक वाली मूवी थी। टाइटैनिक, जिसमें एक बड़ा लंबा तगड़ा सा और बढ़िया सा पानी का जहाज था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मजबूत पानी का जहाज भी डूब गया। और जानते हो ना ये डूबा क्यों था? ये डूबा था आइसबर्ग की वजह से। और आइसबर्ग की कहानी तो यही है ना कि भाई जितना दिखता है ऊपर उससे भी कहीं गुना नीचे होता है। इंडियन अगर सेलर्स आइसबर्ग को ढंग से ना देखें और अंदाजा ना लगाएं कि पानी के अंदर कितना गहराई में वो और कितना चौड़ा फैला हुआ है, तो दुर्घटना होने के चांसेस तो हमेशा ही रहते हैं। और सेम यही बात हमारे एग्जाम पर भी तो लागू होती है। भाई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि आपका एग्जाम कितना भारी है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो तुम्हारा भी जहाज टाइटैनिक बन सकता है। और इस समस्या से निजात पाने का एक सिंपल सा रास्ता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हालांकि मैं तो ये कहूंगा आज के जमाने भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन बहुत परफेक्ट। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं अगेन एक दो क्वेश्चंस की, गेट बीटी 2021 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की, आई फ्लाई के सेफ प्रिपरेशन के साथ, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को समझने की कहानी। अब क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना। ये क्वेश्चन मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है, और जब हम मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन की बात करते हैं तो मतलब जो हमने अभी तक की कहानी देख रखी थी कि भाई क्वेश्चन में होता यह है कि आपके पास चार ऑप्शन आते हैं, चार में से एक पिक करना होता है, तो स्टोरी ये नहीं है। अब जो आइसबर्ग वाली कहानी थी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो पेपर में, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन मल्टीपल सिलेक्शन है और कौन सा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है। यहाँ क्वेश्चन का एक नंबर दिया गया है, हालांकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर डरना किस बात का, क्वेश्चन के पूरे ही चांस हमें लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज आर सराउंडेड बाय अ सिंगल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। भाई सेल का क्वेश्चन है, और सेल में ये सवाल पूछा गया है कि एक लिपिड बायलेयर, मतलब सिंगल एक मेम्ब्रेन, किस ऑर्गेनल में नहीं पाई जाती। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है, अगर हम लोग यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें। आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करोगे तो कहानी कुछ और होगी। सिमिलरली हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती हैं, इनर एंड आउटर, और ऐसी ही कुछ कहानी क्लोरोप्लास्ट के साथ भी देखने को मिलती है जहां दो मेम्ब्रेन सिस्टम है। और न्यूक्लियस को क्यों भूल रहे हो, न्यूक्लियस में भी तो दो मेम्ब्रेन होती है ना, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। लेकिन बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, पेरोजिजोम्स या लाइसोजोम्स, ये सब वो ऑर्गेनल्स हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन पर वापस आए, विच द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज आर सराउंडेड बाय अ सिंगल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, तो भाई देखिए गोल्जी अपरेटस केवल एक मेम्ब्रेन का होता है, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन का, और न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन का। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंगल फॉस्फोलिपिड बायलेयर वाले कौन से हैं, तो भाई ऑप्शन नंबर ए एंड बी ये दोनों करेक्ट हैं। तो अगर आपने केवल एक ऑप्शन चुना ए या एक आपने चुना बी, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यही खास बात है कि जब आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं तो आपको सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट पिक करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ए एंड बी बोथ। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो सीरीज है ये 26 से लेकर 34 तक की, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ मुझे एक आंसर पिक करना है चार में से जो कि करेक्ट होना चाहिए। यहाँ दो मार्क्स अवेलेबल हैं क्वेश्चन के लिए, और हर रॉन्ग के लिए नेगेटिव मार्किंग है 2/3। तो भाई जहाँ एक तरफ हमें एक फायदा हो गया कि केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो वहाँ एक रिस्क भी आ गया है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी है 66% की। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी करते हुए हमें अपनी नॉलेज पर यकीन होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो कह रहा है वो है, मैच करना है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप्स इन ग्रुप 1 एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग
conditions in group second. Group 1 के अंदर type 1, type 2, type 3, type 4 hypersensitivity दे रखा है, और group 2 में दे रखा है कुछ बीमारियों के नाम या conditions के नाम, जैसे कि पहला है erythroblastosis fetalis, फिर है host reaction to bee venom, फिर है systemic lupus erythematosus, और फिर last है tuberculin reaction. अब जहां तक hypersensitivity की बात है, तो भाई ये diagram तो तुम्हें याद होगा, बड़ा famous diagram है. इंडीड ये चारों टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसकी समरी का बेस्ट पॉसिबल डायग्राम है, जहां टाइप वन में आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, और इसके एग्जांपल्स हैं हे फीवर, अस्थमा, हाइव्स, फूड एलर्जी और एक्जिमा. तो टाइप सेकंड आईजीजी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी है, और इसकी कंडीशंस के रूप में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस एंड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया. सिमिलरली टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी में इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है, जहां पर लोकलाइज्ड आर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस, देन ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, रेमेटोइड आर्थराइटिस और सिस्टमिक ल्यूपस एराइथ्रोमाइटोसिस. देन लास्ट है टाइप फोर सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें टी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और यहाँ पर ट्यूबिकुलिन लेसन वाली कहानी और ग्राफ्ट रिजेक्शन की स्टोरी सब यहाँ पर आती है. अब जहां तक हाइपर सेंसिटिविटी की बात है, तो भी तुम्हें याद होगा कि जब इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन के अगेंस्ट को ज्यादा ही रिएक्ट कर जाए तो उल्टा हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, और इसी को हमने हाइपर सेंसिटिविटी के रूप में पढ़ रखा है, जैसे हमने चार टाइप में बांटा हुआ है. तो चलिए अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ फीड करते हैं. अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अकेला वो टेबल काफी था, और इसलिए बोल भी रहा था कि मैं ये वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम है हाइपर सेंसिटिविटी की समरी को लेकर के. तो टाइप वन वो है जहां एकदम से रिएक्शन होती है, जैसे ततैया ने हमें काट लिया या मधुमक्खी ने, तो एकदम से जो रिएक्शन होने वाली होती है वो टाइप वन में है, यानी कि वन का है टू, मतलब पी इज टू. पी का टू ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी में है और डी में. अब बताती है क्यू की टाइप सेकंड. तो भाई हमने देखा था वहां एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस ये बीमारी थी, तो क्यू का वन, क्यू का वन मेरे पास अब बी और डी ऑप्शन में है, तो ए खत्म हो गया, सी खत्म हो गया. अब आती है बात आर की टाइप थ्री. टाइप थ्री में हमने पढ़ा सिस्टमिक ल्यूपस एराइथ्रोमाइटोसिस, आर का तीन, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर, और लास्ट ऑप्शन था इसका टाइप फोर में ट्यूबिकुलिन रिएक्शन. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जहां पर हम हाइपर सेंसिटिविटी और उनकी बीमारियों के साथ एसोसिएशन देख रहे हैं. तो भाई हालांकि केवल ये दो क्वेश्चन थे, लेकिन इन दो क्वेश्चनों में भी तो हमने ये पाया कि समरीज बड़ी खास हैं, और हमेशा हमारी तैयारी शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट होनी चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन को प्रिसाइजली पढ़ सकें, समझ सकें और उनके सही आंसर निकाल सकें. गेट के एग्जाम में एक खास बात है कि गेट के एग्जाम में इन्फॉर्मेशन बहुत दूर दूर से नहीं लाई जाती, जो डिफाइन किया गया है वहीं से द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आती है. तो जिन्होंने टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन पढ़ रखी है वो हैं जो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं. अभी भी हमारे पास टाइम है प्रिपरेशन करने का. आई फ्लाई के साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981. मत भूलिए, आई फ्लाई आपकी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह है. चलिए फिर मजे कीजिए, ध्यान रखिए अपना, और स्वस्थ और सेफ रहिए. बाय बाय.